बात हम बढ़ा रहे थे आगे कि लौटनी गति में अगर हमें कोणीय संवेग लिखना है तो क्या करना पड़ेगा। और लौटनी गति में कोणीय संवेग के लिए हमने सीखा था कि अगर एक कोई लौटनी गति करती वस्तु जो किसी ओमेगा से घूमती है और जो किसी वी द्रव्यमान केंद्र के वेग से गतिशील है, इसके लिए सतह पर मौजूद किसी बिंदु पी के सापेक्ष कोणीय संवेग कैसे लिखा जाना है। इसके लिए सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि उस बॉडी का पी के सापेक्ष कोणीय संवेग आप लिखेंगे आई सी ओ एम ओमेगा। क्लॉकवाइज है तो दिशा माइनस के कैप आप लिखते हैं। और फिर उसके बाद उस समस्त बॉडी को एक बिंदु द्रव्यमान मानकर किसी वी सी ओ एम वेग से चलाकर उस पी के सापेक्ष कोणीय संवेग लिखने के लिए आप क्या कर देंगे, आर क्रॉस पी कर देंगे, जिसको हम कैसे भी लिख सकते हैं एम वी सी ओ एम इंटू। ये भी किस दिशा में, क्लॉकवाइज माइनस। सही बात है, यहां तक की बात हमने की थी। सवालों पर हम आ जाते हैं। तो यहां पर अपने से कहा गया कि एक घूर्णन करती वस्तु है गोला ले लेते हैं, द्रव्यमान एम त्रिज्या आर का, और इस घूर्णन करती वस्तु को आपने क्या किया है, द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य दिया। इसका मतलब यह है कि यह वस्तु ऐसी है जो स्थानांतरी गति आपने सिर्फ इसे घुमा दिया ओमेगा नॉट से। अब क्या होगा कि जैसे आपने सिर्फ इसे घूर्णन गति देकर जमीन पर रख दिया, ओमेगा नॉट देकर जमीन पर रख दिया, तो ओमेगा नॉट होने के कारण ये निचला बिंदु किस दिशा में गतिशील दिखाई देगा, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, किसके कारण, क्योंकि ये यूं घूम रहा है भाई, और ये यूं घूम रहा है तो इसके कारण जो बिंदु सी है सबसे निम्नतम बिंदु, इसके पास जो गति होगी वो किधर होगी, इसी वजह से घर्षण किधर लगेगा। और पीछे यहां पर सिर्फ ओमेगा है, यानी अभी शुद्ध लौटनी गति नहीं है, इसलिए घर्षण कैसा होगा, गतिक घर्षण। ये क्वेश्चन की शुरुआत है, मैं फिर से क्वेश्चन के शब्द आपके सामने बताता हूं। क्वेश्चन में कहा गया एक ठोस गोला एम द्रव्यमान आर त्रिज्या का, जिसे ओमेगा नॉट कोणीय वेग देकर, शून्य VCOM देकर, एक धरातल जिस पर घर्षण गुणांक म्यू है रख दिया जाता है। और फिर यहां पर कहा जाता है कि यह वस्तु थोड़ी देर बाद आगे चलकर क्या कर लेगी, इस प्रकार से यहां V और यहां ओमेगा प्राप्त कर लेगी, यानी ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगी, वी बराबर ओमेगा आर हो जाएगा। तो यहां वी बराबर ओमेगा आर होने तक में ये वस्तु कितना विस्थापित होगी, ये अपने को बताना है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये वस्तु प्योर रोल कर ही नहीं रही, आप प्योर रोलिंग स्थापित कैसे करोगे। तो बेटा
यहां पर शुरुआत में ओमेगा नॉट कोणीय चाल है और इसका जो रेखीय वेग है वो जीरो है, और यहां पर इस ओमेगा नॉट कोणीय चाल के कारण घर्षण लगा, किधर लगा मैंने दिखाया, और ये जो घर्षण है ये घर्षण क्या करता नजर आएगा, हम समझेंगे घर्षण क्या करता नजर आएगा, इस ओमेगा नॉट को कम और इस वी को बढ़ाते नजर आएगा और एक ऐसा बिंदु ये ला देगा जब वी नॉट या वी बराबर ओमेगा आर हो जाएगा और प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, घर्षण काम करेगा, दोनों काम करेगा, एक ही बल दोनों काम करेगा, ओमेगा को कम भी करेगा वी को बढ़ाएगा। कैसे करेगा गौर से देखिएगा, क्या यहां पर घर्षण की दिशा आगे आई तो त्वरण आगे आएगा, त्वरण आगे आएगा तो वेग, और सुनो घूम कैसे रहा है क्लॉकवाइज, घूम कैसे रहा है, घर्षण का बलागुण कैसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा को घर्षण का बल आगुण कम करेगा और घर्षण का बल वेग को बढ़ाएगा और दोनों हो जाएंगे लेवल पर बराबर शुद्ध लूटनी गति। तो वहां से हमें कुल कितना चलना है ये हमें बताना है। तो इस सवाल में अब मेरी सलाह क्या है, यहां मैं सवाल को अभी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेटे जब हम उस परिस्थिति और इस परिस्थिति की तुलना करेंगे उन ओमेगा नॉट और वी नॉट को इस वी या ओमेगा से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश करने का एकमात्र तरीका है कोणीय संवेग संरक्षण। क्या है तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखें कि इस धरातल पर मौजूद एक बिंदु पी मानो बेटा, और आप कहेंगे कि यहां इस वस्तु पर सतह के अनुदिश जो घर्षण बल लग रहा है यह घर्षण बल इसी बिंदु P से पारित है कि नहीं है, और अगर घर्षण बल इस बिंदु P से पारित है तो घर्षण बल का बलागुण P के सापेक्ष, और इस पर क्या बल लग रहे हैं mg और नॉर्मल, mg केंद्र से नीचे नॉर्मल केंद्र से पारित ऊपर, तो mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इनका बलागुण भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कैसे, हमने सीखा था, हमने बल युग्म में बात की थी कि जब दो समान परिमाण के बल समान क्रिया रेखा से अगर गुजरते हैं तो उनका उत्पन्न टॉर्क, शायद याद आती हो आपको बातें, और हम कहते थे कि अगर टॉर्क जीरो नहीं करना है तो क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए, और बल युग्म के लिए हम यही कहते थे अलग अलग क्रिया रेखाएं रखने की कोशिश करते थे ताकि वस्तु चले ना और सिर्फ क्या करे घूमे। तो यहां हमने देखा कि उस पर mg तो है नॉर्मल भी है पर दोनों बल भी बराबर है, मात्रा में भी बराबर है, दिशा में भी विपरीत है, क्रिया रेखा भी सेम है, इसलिए ना उन mg और नॉर्मल के कारण ना बल उत्पन्न होगा ना बलागुण उत्पन्न होगा। उसके अलावा कौन सा बल बचा और घर्षण किस बिंदु से गुजर रहा है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बिंदु P के सापेक्ष टॉर्क नेट बराबर जीरो, और जब टॉर्क जीरो है तो संवेग संरक्षित रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ किसके सापेक्ष, P के सापेक्ष, तो उसी P के सापेक्ष कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगाएंगे, एल इनिशियल बराबर। अब इनिशियल भी आपके सामने चित्र बना हुआ है, फाइनली जब वो शुद्ध लोटनी गति करने लगा तो का भी चित्र बना हुआ है, और इनिशियल और फाइनल दोनों को हमें यहां पर बराबर करने के लिए पहले इनिशियल वाला कुल कोणीय संवेग लिखना है, और कुल कोणीय संवेग लिखने के लिए सबसे पहले तो क्या देखेंगे, केंद्र के सापेक्ष घूम रहा है तो क्या लिखेंगे ICOM into omega naught दिशा क्लॉकवाइज माइनस द्रव्यमान केंद्र का mv naught r, और mv v naught कितना है तो हो गया रेखीय गति वाला कोणीय संवेग जीरो बराबर। जब हम यहां आ गए तो सबसे पहले वापस से क्या लिखेंगे ICOM प्लस ये किस दिशा में माइनस के कैप में, बहुत बढ़िया, और इसके बाद जब सारा द्रव्यमान यहां मान लिया जाएगा तो इस बिंदु P से ये लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी R, तो क्या हो जाएगा एम वी आर, ये भी माइनस के कैप R क्रॉस P अंगूठा,
और ऐसा हमने किया है तो अब आप देख रहे हैं सब जगह माइनस के कैप है, सेम है। हटा दूं परिमाण के लिए बात करना चाहता हूं तो मैं यहां से आपको एक और बात कह देता हूं, ओमेगा नॉट उधर है, ओमेगा यहां है, तो इस वी की जगह भी क्या लिख दें, वी बराबर ओमेगा आर। तो हम यहां से आईसीओएम को क्या लिख देंगे बेटा, ठोस गोले के लिए माइनस के तो हट गया, अब आपका काम यहां से ओमेगा निकालना है बेटा। तो हम उधर की तरफ 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट और इधर की तरफ एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉमन लिया है 7/5 एम आर स्क्वायर से, एम आर स्क्वायर 5 से, तो ओमेगा बराबर 2/7 ओमेगा नॉट। और हम जानते हैं वी बराबर क्या है और ओमेगा का मान कितना है, 2 ओमेगा नॉट/7 × 8। यहां तक की बात, यानी वेगों का, उधर के वेगों का और अंतिम वेगों का रिलेशन हम कोणीय संवेग संरक्षण से निकाल लिए। आपको पता होगा जब हम रेखीय संवेग संरक्षण लगाते थे तो भी शायद यही काम होता था कि हम अंतिम और प्रारंभिक कोणीय संवेग संरक्षित करके अंतिम वेग निकाल लिया करते थे, वी डैश। बिल्कुल सेम यहां पर अपन ने अंतिम वेग वगैरह निकाल लिए। अब अपना काम, अपना मुख्य काम क्या है, एस निकालना। एस निकालने के लिए आप यहां पर सिर्फ इतना सा देखें, देखो बड़े मजे की बात है, वस्तु देखो यहां और यहां, यहां से यहां का विस्थापन, यहां पर इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग, यहां इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग 2 ओमेगा नॉट r/, और यहां से यहां पर घर्षण बल किधर है, घर्षण बल कौन सा है, एफ के का मान क्या होता है, μmg, हमेशा होता है कि नहीं होता है, क्षैतिज सतह पर घर्षण बल, गतिक घर्षण बल कांस्टेंट μ × n होता है, n का मान mg है, तो घर्षण बल अगर μmg है तो त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, μg, एम से डिवाइड कर देंगे ना बेटा, त्वरण भी पता है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है और विस्थापन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, अबे सेकंड और फर्स्ट में समय आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम कौन सी इक्वेशन लगाएं हमें पता ही नहीं होता। बेटा मैं ये बात पहले भी आपके बैच में बता चुका हूं कि जब इक्वेशन 1, 2, 3 में चूज करना होता है तो अगर समय दिया है या समय पूछा है तो या तो 1 लगेगी या 2 लगेगी, समय नहीं दिया है, समय पूछा भी नहीं है तो 3rd लगेगी। अब 1 और 2 में से क्या लगता है कि वेग पूछा है तो 1st और विस्थापन पूछा है तो 2nd। यहां पर बिना समय की बात किए कुछ अगर जानना चाहते हैं तो 3rd इक्वेशन लगाएंगे, अंतिम वेग 2 ओमेगा नॉट r/7 का स्क्वायर बराबर प्लस 2 a की जगह और यहां पर हमें s निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2 से 2 काट देंगे बेटा, तो इधर 4 में से कितना बचेगा, 2 ओमेगा नॉट का r का नीचे 40 μg, तुरंत लिखें।
समय कितना लगेगा अगर ये बताना होता तो क्या करते बेटा, फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते ना, क्योंकि अपने पास अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, तो समय हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते। लिखा बड़े, चले भैया चलिए, तो फिर अगले सवाल पर। इसमें क्या कहा है, बिल्कुल वैसा ही, थोड़ी सी परिस्थितियां बदली है सवाल में, क्या है सीखिएगा। ठोस बेलन, द्रव्यमान m, त्रिज्या r, राइट। अभी हमने यहां पर इसके केंद्र को एक वेग दिया है vo, और इसको एक ओमेगा भी दिया है, और ओमेगा दिया है उल्टा। प्योर रोलिंग में ओमेगा किधर होता है, ऐसे क्लॉकवाइज। अभी हमने इसको यू, मतलब क्या ऐसे पता है, फेंका आगे है और घुमाया उल्टा है, ऐसा चलाया आगे है घुमाया उल्टा है, और घुमाया हुआ ओमेगा कुछ इस प्रकार से है। सवाल आगे बढ़ाऊं, पहले मुझे ये बता दें कि यहां पर घर्षण किधर लगेगा। क्यों कौन ज्यादा है, वाह वाह भाई, बोलो क्या यहां पर संयुक्त गति में दो प्रकार के वेग होते हैं प्रत्येक बिंदु के पास, एक रेखीय वेग, तो बिंदु C के पास यानी निम्नतम बिंदु के पास रेखीय वेग किधर है, आगे, और घूर्णन के कारण मिलने वाला वेग ओमेगा आर किधर है, आगे, तो दोनों वेग किधर है, तो निश्चित रूप से कण किधर फिसल रहा होगा, आगे, तो घर्षण किधर लगेगा, मिस नहीं हुई, ओमेगा यू है बेटा, तो ओमेगा के कारण भी ये बिंदु आगे, वी नॉट आगे, तो कुल आगे, तो यहां पर इस पर लग रहे घर्षण बल की दिशा पीछे, वो भी कौन सा, गतिक घर्षण, कितना म्यू एम जी। चलो सवाल पर आते हैं, वापस से सवाल पर आते हैं, सुनिएगा। तो प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पर इस ठोस बेलन को v नॉट आगे और ओमेगा उल्टा देकर धरातल, जिस पर यहां पर इसका घर्षण गुणांक म्यू है, रख दिया गया है। और क्या होगा कि जब यह वस्तु यहां पर कहीं पर आगे चलकर कहीं जा रही है, और इस जगह जाते 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 अंत में इसका वेग वी और ओमेगा ओमेगा होकर क्या हो जाएगी, शुरू, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, यानी वी बराबर ओमेगा आर हो जाएगा। और ऐसा होने में यहां तक समय कितना लग गया थी? तो आपको यहां पर बताना है कि सबसे पहले तो वेग वी, ये वाला वेग कितना होगा नंबर वन, और दूसरा आपको बताना है समय टी कितना लगेगा, समझ रहे। अब
सवाल सॉल्व करें उसके पहले मैं यहां से आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा मुझे बस ये बता दीजिए कि वेग v निकालने के लिए क्या करोगे, कोणीय संवेग, और उसके बाद समय t निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करो। सबसे पहले कोई भी बिंदु P पकड़ लेंगे बेटा, उस P के सापेक्ष क्या करेंगे, कोणीय संवेग संरक्षित। तो क्या लिखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, L इनिशियल बराबर, L इनिशियल लिखवा दो पहले, चलो साथ के साथ करते हैं इसको, L इनिशियल लिखवा देते हैं। L इनिशियल में पहले तो हम क्या लिखते हैं बेटा, घूम रही है, घूम रही है तो आई सी ओ एम ओमेगा नॉट, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस के कैप, और साथ के साथ द्रव्यमान केंद्र इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, तो क्या हो जाएगा एम वी नॉट आर, किस दिशा में, माइनस के कैप, क्योंकि ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो माइनस के कैप, है ना, माइनस के कैप बराबर। पहले तो मुझे बता दें इन दोनों को लिखने में कोई आपत्ति,
कोई भी किसी को भी कि सर ऐसा क्यों माइनस के क्या प्लस के क्या, या पहले आई ओमेगा नॉट टी क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, पैटर्न है, इसको भी लिख सकते हैं पहले, पर हां लिखना दोनों को है। अंत में जब यहां पर क्या हो चुकी है, प्योर रोलिंग हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई सी ओ एम इन टू ओमेगा, क्लॉकवाइज है तो माइनस के क्या, और उसके बाद एम वी आर ये भी माइनस के कैप। आप देख पा रहे हैं सब जगह माइनस के कैप है, यहां 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 क्या है, तो मैं माइनस के कैप से काट रहा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, तो इसीलिए हम काटे बगैर, क्योंकि दिशाओं को काटना अच्छा नहीं रहता, तो अपन यहां पर इसमें सीधा सीधा क्या लगा दें, और यहां आईसीएम क्या हो जाएगा ठोस बेलन का, और ओमेगा नॉट को क्या लिख देंगे बेटा वी नॉट बाय प्लस, यहां माइनस हो गया ना, यहां प्लस का प्लस ही रह गया, और यहां क्या हो गया, और यहां क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा, और ओमेगा बराबर वी बाय आर प्लस एम वी आर। याद है मैंने पिछले सवाल में क्या किया था, सारे टर्म्स को यहां पर पहले ओमेगा के टर्म्स में लिख लिया था, क्योंकि वहां मुझे ओमेगा पता था, तो मैंने ओमेगा के टर्म्स में लाना चाहा। यहाँ इस सवाल में मुझे पता है कि मुझे V नॉट का भी टर्म पता है, और V नॉट के टर्म्स में ओमेगा नॉट भी पता है, और मुझे निकालना भी V है, तो मैंने इसीलिए सारी समीकरण में V के रूप में उसे बदलने की कोशिश कर ली है। यहाँ पर एक R से R कट जाएगा, एम वी आर बटे दो, और एम वी आर कितना हो जाएगा तीन बटे दो एम वी आर, और ये कितना हो जाएगा R से R कट जाएगा, एम वी नॉट R कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का एक बटे चार और प्लस का वन, शायद यही आ रहा है, देख लो बेटा आर से आर, यहां एक बटे चार माइनस का एक बटे चार, सारी चीजें कॉमन, यहां भी सारी चीजें कॉमन, यहां वन, तो कितना हो जाएगा ये तीन बटे चार, तीन बटे चार एम वी नॉट आर तीन बटे दो एम वी आर एम आर एम आर तीन तीन, तो यहां से वी बराबर वी नॉट बटे दो। यहां पर अपना काम 95% हो गया है, समय जो अगर मुझे निकालना भी है तो मुझे गति की फर्स्ट समीकरण, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग, दोनों इधर है ना बेटा, इधर ये भी इधर वो भी इधर, और त्वरण किधर है पीछे, पीछे है तो क्या लगा दूंगा माइनस म्यू जी इंटू, समझ रहे ना बेटा, वेग कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है मतलब मंदन है, और दिख भी रहा है मंदन पीछे की तरफ है, उधर त्वरण फोर्स पीछे तरफ है, तो यहां से हो जाएगा T बराबर V नॉट बाय टू म्यू जी। चार चीजें हैं, तीन नेगेटिव एक पॉजिटिव, मैंने पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया, तो तीन नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, और पॉजिटिव, अरे नहीं आएगा भाई कैसे भी ले आंसर सही आएगा, बड़े आगे
चलिए अगला हेडिंग लिखेंगे, नत तल पर शुद्ध लोटनी गति। नत तल पर शुद्ध लोटनी गति। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी। यहां परिस्थिति क्या हमें दिखाई गई है, एक नत्तल है। इस नत्तल पर एक घूम सकने वाली वस्तु ग्राम पर टॉप पर रखी है, ये वाली हाइट नत्तल का कोण, और ये इस नत्तल के अनुदिश जो दूरी है ये एस। सबसे पहले हम जो भी डराइव करेंगे वो एच के रूप में करेंगे। अगर एच को एस के रूप में रखने की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ साइड में एच और एस के बीच में संबंध किस हिसाब से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एच बाय एस। तो मैं लिख लेता हूं, अगर कहीं भी एच को मुझे प्रतिस्थापित करने की जरूरत पड़ती है तो एच बराबर एस साइन थीटा से हम रिप्लेस करते हैं, सही है ना? चलिए मुद्दे पर आते हैं। हम यहां पर इस एक वस्तु को यहां विराम पर रखते हैं और हेडिंग में अपन ने क्या लिखा है कि विराम पर रखने के बाद ये छोड़ेंगे, छोड़ते से ये वस्तु किधर आएगी, नीचे। और नीचे तो आए पर कैसे आए, शुद्ध लोटनी गति करते हुए आए। अब सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि वो वस्तु वहां से शुद्ध लोटनी गति करके जब नीचे आएगी तो क्या इस नत तल का घर्षण युक्त होना जरूरी है, या अगर चिकना नत तल हो तो भी शुद्ध लोटनी गति हो सकती है। घर्षण होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी है, घर्षण नहीं होगा अगर यहां पर चिकना नत तल है तो नहीं कर पाएगी लोटनी गति, शुद्ध लोटनी गति नहीं हो पाएगी। हो जाएगी तो फिर पहले क्या कह रहे हो, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भाई? तो चलिए यहां पर सबसे पहली जो बात हमने कही है वो है कि यहां पर घर्षण की आवश्यकता पड़ेगी, बिना घर्षण के आप इस नत तल पर शुद्ध लोटनी गति नहीं करवा सकते हैं। क्या कारण है सुनिएगा। हमने बातें सीखी थी कि जब अगर एक वस्तु जिसके पास यहां कुछ वेग VCOM होता है और इसका कोणीय वेग ओमेगा होता है और VCOM बराबर ओमेगा आर है तो वो वस्तु निश्चित तौर पर शुद्ध लोटनी गति करती रहेगी अनंत काल तक अकेला। पर जब आप उस पर एक बल लगाना शुरू कर देते हैं, उस वस्तु पर जो शुद्ध लोटनी गति कर रही है उसके साथ आपने उस पर क्या लगाना शुरू कर दिया, तो बल के कारण उसका वेग, तो वेग बढ़ेगा तो कोई ऐसा वहां मौजूद होना चाहिए जो ओमेगा भी बढ़ाए। और यहां चूंकि ये ओ पर अगर बल लगा है तो इसका बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए ओमेगा को बढ़ाने के लिए एक बलाघूर्ण की जरूरत पड़ेगी और वो बलाघूर्ण कौन देगा, घर। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगता देख रहे हैं, उसके केंद्र पर बल लगता देख रहे हैं जिसके कारण निश्चित तौर पर वेग बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ाना पड़ेगा और ओमेगा बढ़ाने के लिए घर्षण की जरूरत पड़ेगी। और मजे की बात फिर यहां पर यह भी थी कि हमने ये कहा था
कि अगर मैं यहां पर बिना घर्षण के काम करना चाहूं तो फिर उस स्थिति में हमने क्या सीखा था कि हमें बिंदु पी पर बल लगाना चाहिए, तब शायद एक कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं पी पर बल लगा दूं तो मुझे घर्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमने सीखी थी ना। तो आप यहां देखो कि जब mg यहां लगता है या इस द्रव्यमान केंद्र पर यह घटक लगता है, ये क्या होता है mg sin θ। हम हमेशा जानते हैं गुरुत्वीय बल को द्रव्यमान केंद्र पर लगाया जाता है। तो mg sin θ का जो ये घटक है ये द्रव्यमान केंद्र पर लगेगा, और द्रव्यमान केंद्र पर लगेगा तो हम जानते हैं p के नीचे बल लगता है तो घर्षण, इसीलिए यहां पर घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे। और हम क्या चाहते हैं, प्योर रोलिंग करें, इसलिए घर्षण बल कैसा, स्टैटिक fs। तो सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब आपके पास क्या होना चाहिए, सवाल रिपीट करता हूं कि न तल पर अगर किसी वस्तु को आप शुद्ध लोटनी गति करने के लिए छोड़ देते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, तो अगर घर्षण नहीं है तो वो कभी भी शुद्ध लोटनी गति तो सिर्फ क्या करेगी, फिसलेगी, सिर्फ फिसलेगी बिना घर्षण के, जैसे न्यूटन्स लॉ के सवालों में होता था, वो सिर्फ फिसलेगी, घूर्णन गति होगी ही नहीं, क्योंकि घूर्णन गति के लिए वस्तु का घूमते रहना जरूरी है, घूमने के लिए बलाघूर्ण का होना जरूरी है, और बलाघूर्ण के लिए हम यहां पर देखेंगे कि वहां घर्षण का होना जरूरी है। ठीक है मुद्दा यहां तक। दूसरी बात आप यहां से क्या सीखे, आपने कहा कि घर्षण कौन सा स्थैतिक घर्षण है, तो हमने लिखा था एक बिंदु कि स्थैतिक घर्षण है, इसलिए स्थैतिक घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो बताओ अब यहां पर कार्य कौन कौन कर रहा है, ऊपर से नीचे आने में कार्य किस किस बल ने किए। आप कहेंगे यहां पर बल तो वैसे तीन है, नीचे, इधर, इधर, पर नॉर्मल और विस्थापन 90 डिग्री है, इसलिए नॉर्मल का कार्य, घर्षण स्थैतिक है इसलिए घर्षण का कार्य, बचा कौन, गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल कैसा है, कंजर्वेटिव, संरक्षी बल है, संरक्षी बल है इसीलिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। सही है बात। अब हमारे टारगेट क्या है, सबसे पहला टारगेट हमारा है कि जब उस वस्तु को टॉप से विराम से छोड़ेंगे तो जब वो वस्तु रोल करती नीचे आएगी तो इस रोल करती वस्तु का द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होगा, बिल्कुल निचले तल पर, ये हम जानना चाहते हैं। तो मैं क्या वहां ऊपर ही ऊपर और नीचे ही नीचे क्या लगा दूं बेटा, तो मुझे बताइए जब टॉप, और हम क्या लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब आप जानते हैं इनिशियल वहां काइनेटिक एनर्जी, मैंने काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कहा आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि मैं घूर्णन की भी बात कर रहा हूं और मैं स्थानांतरित गति की भी बात कर रहा हूं, यानी मैं कुल गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं। और मुझे पता है यहां ये वस्तु विराम पर है, मतलब चल भी नहीं रही, घूम भी, इसीलिए समझ गए ना कि मुझे पता है नीचे आते टाइम सिर्फ चलेगी नहीं, घूमेगी भी, और घूमेगी तो मुझे कुल गतिज ऊर्जा यहां लिखनी है, और क्यों जीरो, इसी को तो अपन ने जीरो माना है, तभी तो उसको क्या लिखा mgh। और हमारा टारगेट क्या है, m से m काट दूं, ये टू उधर ले जाऊं तो क्या बचेगा, बटे पूरे का होल स्क्वायर, नहीं अंडर, सही है मैटर यहां तक। ये लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं, शांत रहना, थोड़ी सी देर रुकना, लिखना अभी शुरू मत करो। हम बात कर रहे हैं यहां पर कि अब अगर परिस्थिति ऐसी हो, हमें तुलना करनी पड़ती है, सवाल पूछता है कि यदि एक चिकने तल पर जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है और वो फिसल कर नीचे पहुंचता है तो
स्लाइड करके जब ये यहां तक आया है, फिसल कर जब ये यहां तक आया है, तो इस परिस्थिति में इसका वेग कैसे देते हैं? अंडर रूट टू जी एच। और हमने अभी क्या सीखा कि जब ये रोल करके वहां से यहां आया है तो इसका वेग कैसे दिया हमने? अंडर रूट टू जी एच अपॉन और अगर आप चाहते हैं कि यही चीज एस के रूप में लिखी जाए तो क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा एच के बजाय एस साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर कभी कभी ऐसी बात पूछ ली जाती है कि जब ये स्लाइड करके आया और जब ये रोल करके आया तो बताइए दोनों परिस्थितियों में वेग किसमें ज्यादा मिलेगा? तो आप देखेंगे बेटा यहां पर देखो इन दोनों को तुलना करो। अंश में तो दोनों जगह सेम है ना राशियां, हर में यहां नीचे क्या है वन और यहां क्या है वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हर किसका बड़ा है? जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी। तो रोल वाला मानते हैं। चलिए दूसरी बात, अब हम यहां पर तुलना करते हैं त्वरण के लिए। तो हम यहां पर सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जब घर्षणहीन यानी स्मूथ सतह पर जब कोई वस्तु फिसलती थी तो उसका त्वरण कैसे लिखते थे? अभी रोल करके जब ये वस्तु यहां आ रही है, जब ये रोल करके यहां आ रही है नीचे तक आ रही है तो इसका त्वरण निकालना है बेटा। तो हम यहां पर कहते हैं कि त्वरण निकालना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन तीन का यूज करते हैं और मैं लिखता हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग जीरो नहीं है, अंतिम वेग ये है। अंतिम वेग या तो इस रूप में लिख लूं या इस रूप में लिख लूं रोल करके नीचे आने में, है ना। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं एस, तो कौन सा लिख दूं? एस वाला। तो वेग का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 2g s sin थीटा बटे, बहुत बढ़िया, बराबर 2a। a कौन सा? रोल करने वाला, रोलिंग वाला, इनटू s। s से दो से, तो यहां से इस रोल शुद्ध लोटनी गति वाला क्या हो गया? वो तो यहां भी था ना, बस यहां क्या एक्स्ट्रा आ गया? सही है मसला। और आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर बात करते हैं समय की कि आखिर जब ये वस्तु यहां पर नीचे रोल करके आएगी तो इसको रोल करके और नीचे आने में समय कितना लगेगा जहां यहां पर क्या था विराम। तो हम क्या करेंगे बेटे, हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर और यू कितना है प्लस हाफ ए, तो टी बराबर टू एस बाय ए पूरे का, ए का वैल्यू और ऊपर चला गया ना ये। और मजे की बात यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एस का मान क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एस का मान। तो यहां पर साइन थीटा नीचे कितने हो गए? दो, तो यहां पर बाहर ले लिया और ये हो गया टू एच बाय जी ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां पूछा जाए कि बताइए रोल करके आने में और स्लाइड करके आने में, अच्छा यहां पर स्लाइड करके आने में समय कितना लगता है वो मैं बता देता हूं। समय लगता है एक बटे साइन थीटा अंडर रूट टू एच बाई जी। इसको यूं भी समझो, ऐसे भी समझते हैं, ये फॉर्मूला याद रहा। फिर किसी ने पूछा कि अगर ये वस्तु रोल करके आ रही है इतना समय लगा, स्लाइड करके आती तो कितना समय लगता? तो यूं कहते हैं कि जब स्लाइड करके आ रही है, सिर्फ फिसल कर आ रही है तो घूम नहीं रही। यहां इस वन और इस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में क्या होता था, वन क्या कहते थे हम,
कि यह स्थानांतरी गति को व्यक्त कर रहा गुणांक है और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर घूर्णन गति को व्यक्त कर रहा गुणांक है, और दोनों अगर है तो स्थानांतरण प्लस घूर्णन गति को हम व्यक्त करा रहे हैं। तो जब रोलिंग हो रही है तो दोनों है, जब फिसल रहा है तो सिर्फ स्थानांतरी गति है, इसीलिए वहां से क्या हट जाएगा। अब अगर यहां पर कंपेयर करना है कि टी स्लाइड बड़ा है या टी रोल बड़ा है, तो हम यहां पर देखेंगे कि अंश में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो इसका अंश इसकी तुलना में बड़ा, इसीलिए यहां पर ये रोल करके आने वाली स्थिति में समय ज्यादा लगे। और इसको यूं भी समझ सकते हैं, इसको यूं भी समझ सकते हैं क्या, आप देखो, आप यहां पर देखो त्वरण वाला हमारा कहां गया, त्वरण जी साइन थीटा और यहां जी साइन थीटा बटे, तो यहां पर ये त्वरण रोल वाला क्या रहा, छोटा स्लाइड वाले से, नहीं त्वरण छोटा तो समय ज्यादा, ठीक है। हाँ तो यहां से अब तुरंत देखो, जल्दी जल्दी बेटा डिजाइन पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, सिर्फ एक जगह चित्र बना ले, बाकी मैंने चित्र तो आपको समझाने के लिए बनाए हैं, एक जगह चित्र बनाए, बाकी सब जगह सिर्फ जो इक्वेशन जो फॉर्मूले हैं वो लिखें तुरंत। लिखा लिखा,
चले। हाँ तो हमने जो जो फॉर्मूले फिलहाल सीखे हैं, नत तल पर प्योर रोलिंग के लिए, उसमें हमने सबसे पहले सीखा है कि सेंटर ऑफ मास का रोल कर आने में जो वेग है वो कितना है। और इसी फॉर्मूले को हमने कुछ ऐसे भी लिखा है, त्वरण रोल करके आने की परिस्थिति में हमने क्या लिखा है, समय जो यहां पर रोल करने के लिए लिखा है वो हमने क्या लिखा है, तो हम यहां पर एक सवाल के साथ बात करते हैं। देखिएगा इस सवाल में क्या कहा है, किस प्रकार से कोई एक वस्तु है और ये नत्तल पर शुद्ध लोटनी गति प्योर रोलिंग करके नीचे की ओर लुढ़कती आएगी, और यहां इस प्रकार से तीन अलग अलग कंडीशन मैंने बना दी। इस परिस्थिति में इसका नत तल का कोण, इस परिस्थिति में नत तल का कोण, और इस परिस्थिति में नत तल का कोण थीटा थ्री है। तो रोल करते समय आते वेग के, त्वरण के, वह समय को का मतलब क्या है सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे वेगों को, त्वरणों को, समयों को एक क्रम में व्यवस्थित करना है। और अगर वेगों के लिए बात करता हूं, तीन परिस्थितियां हैं, वस्तु समान है, उसी एक वस्तु को एक बार किस कोण पर, किस कोण के नत्तल पर अपन ने रोल कराया, एक बार और बात किसकी करना चाहते हैं, और वेग का फॉर्मूला हमारे पास है तीनों के लिए। यहां पर यह ऊंचाई h समान है बेटा। अब आप यहां पर इस फॉर्मूले पर आ जाइए, h सबके लिए, वस्तु सबके तीनों कोणों पर सेम, वस्तु सेम यानी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सेम, h भी। तो जब ये वस्तु किसी भी कोण पर रोल करके नीचे पहुंचेगी तो वेग जो अंतिम होगा वो क्या होगा, सेम। अरे फॉर्मूला देखो, ऊंचाई h देखो, वस्तु जो है वो जो भी है सेम है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में हम बदलाव नहीं कर रहे, एच में भी कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो हम यहां से क्या पाते हैं कि रोल करती वस्तु जब कोण थीटा वन वाले नत्तल पर रोल करके आती है, कोण थीटा टू वाले पर नत्तल पर रोल करके आती है, और कोण थीटा थ्री वाले कोण पर रोल करके आती है, वेग क्या प्राप्त होंगे, समान। तो इस प्रकार से त्वरण को और समय को देखो, एक बार देखो तुरंत। क्या होगा त्वरण के लिए कि देखो बेटा, त्वरण के फॉर्मूले में क्या आता है, जी साइन थीटा अपॉन, वस्तु सेम है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वन सेम, जी सेम, यानी सीधा सीधा किसका संबंध है, तो थीटा अगर बढ़ेगा, हम जानते हैं यहां पर त्वरण के लिए संबंध अगर मुझे लिखना है तो थीटा वन जो कि बड़ा है, थीटा टू फिर थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा वन क्या होगा, बड़ा, फिर साइन थीटा टू, फिर साइन, तो जो बड़ा है उसके लिए रोल करना, यानी सबसे पहले थीटा वन बड़ा, तो उस परिस्थिति में रोल करके आने में त्वरण भी ज्यादा।
फिर Ar2, फिर Ar3। और अगर समय की हम बात करना चाहें तो एक तो यहां से भी सीधा पता लग जाएगा कि जिस परिस्थिति में त्वरण, उसको आने में समय लगेगा कम। और अगर फॉर्मूले से भी देखें तो देखो साइन थीटा और समय क्या है, बाकी सब तो सेम है ना, एच सेम, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सेम, साइन थीटा और टी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती है तो जिस परिस्थिति में साइन थीटा ज्यादा समय कम, तो साइन थीटा किसमें ज्यादा है, इसमें थीटा वन में। अरे हाँ बेटा, थीटा वन बड़ा है, थीटा टू उससे छोटा है, थीटा थ्री, तो यहां से हम ये जानते हैं कि साइन थीटा वन बड़ा होगा, फिर साइन थीटा टू होगा, फिर अंत में साइन थीटा थ्री, और वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो टी आर वन क्या हो जाएगा, छोटा, टी आर टू, फिर टी आर थ्री। लिखो जल्दी जल्दी। चले क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक नत्तल है, और इस पर अब चार बार अलग अलग वस्तुओं को फिसलाया जा रहा है। वस्तु वन यहां पर है हमारे पास ठोस गोला, वस्तु टू खोखला गोला, इनके अलावा लुढ़क सकने वाली और चीजें क्या क्या होती है, ठोस बेलन, और तो ठोस बेलन किसके जैसा, खोखला बेलन किसके जैसा, तो कुल मिलाकर छह में से हम चार को पढ़ लेंगे तो अपने आप बाकी दो का तो काम हो ही जाएगा। अब क्या हुआ, वस्तुएं चार हैं, अपन ने वहां से एक एक करके चारों को फिसलाया, सॉरी चारों को रोल करके नीचे गिराया, और यहां पर पूछा जाता है कि अब इनको
इनके वेगों को, इनके त्वरणों को व इनके लगे समयों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक सवाल मैं बताता हूं कैसे यहां पर क्या करना है। क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है, जैसे सबसे पहले मैंने वेग को इनके क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सोचा, तो मैंने देखा कि वेग का फॉर्मूला क्या है, और वेग का फॉर्मूला मैंने देखा तो मैंने कहा सबके, जिनको सबको गिरा रहे हैं, चारों वस्तुओं की ऊंचाई क्या है, अलग अलग वेग होने का कारण क्या हो सकता है, और क्या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चारों का अलग होता है। तो सबसे पहले यहां पर इन चारों का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें से ये पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है ना, तो सबसे बड़ा, ताकि क्रम पता लगेगा ना बेटा, तो क्रम के हिसाब से मुझे वेगों का क्रम पता लगेगा, क्रम में व्यवस्थित करना है तो इनको रैंक देते हैं अपन, रैंक देते हैं मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसके लिए, फिर उसके बाद सबसे उससे कम उससे कम उससे कम, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वलय का, यानी वलय को अपन रैंक ए दे देते हैं, यानी सबसे ज्यादा। इसके बाद अबे चकती है क्या घन चक्कर, ये तो कितना होता है 0.5 और ये कितना होता है 0.66, अबे 2/3, तो ये रैंक बी। इसके बाद अबे छोटा बड़ा नहीं पता लग रहा क्या, बोलो। फिर अंत में समझ गए, कोई आपत्ति हो तो बोल दो। तो इस हिसाब से अब अपने को पता लग गया कि सबसे बड़ा यहां पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसका, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब देखो वहां पर आ जाओ, उस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, एच सबके लिए, वस्तुएं अलग अलग है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबका, जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा उसका वेग, जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा उसके लिए वेग, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके लिए ज्यादा, तो यहां पर हम लिखेंगे वी वलय सबसे कम। नहीं, इसके बाद क्रम में आगे चल लो। अब ए के बाद किसके पास, तो कौन आ जाएगा, खोखला गोला, खोखला गोला होता है होलो स्फीयर। फिर नंबर 3 सी वाला चक्की, फिर लास्ट में ठोस गोला होलो स्फीयर। ऐसे ही आप त्वरण और समय को भी जमाओ। त्वरण का क्या क्रम हो जाएगा, ऐसा ही, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला देखेंगे, थीटा सबके लिए समान है, जी समान है, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और त्वरण क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा उसके लिए त्वरण सबसे कम, तो यहां पर वही हो जाएगा ए वलय ए होलोस्फीयर ए चक्ति और ए सॉलिड
सॉलिड सॉलिड सॉलिड स्फीयर। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं अंत में समय पर देखूं तो सारी चीजें सेम है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और टी क्या है, समानुपाती। तो यहां पर ये समय के लिए ये हो जाएगा उल्टा। कितना आएगा, 3v0 square बाय 4g, 3v0 square बाय 4g। क्योंकि जब हमने इसे बिल्कुल निम्नतम बिंदु से चलाया तो हमने सिर्फ चलाया नहीं, शुद्ध लोटनी गति कराई। तो शुद्ध लोटनी गति कराई तो इसके पास इस निम्नतम तल पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो। और गतिज ऊर्जा क्या लिखी जा सकती है, हाफ एम वी नॉट वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना बेटा? नहीं बेटा, यहां पर मैंने इसको ओमेगा नॉट भी दिया है, यानी ट्रांसलेटरी स्थानांतरी गति भी है, घूर्णन गति भी है और शुद्ध लोटनी गति कर रही है। तो मुझे यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा, सही बात। इसके साथ यहां पर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, और जब ये यहां ऊपर पहुंचेगा तो ये अंत में विराम पर आ जाएगा, तो इसके पास गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा mgh max। और हम यहां इससे ये काट देंगे और ये 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/4 और
वी नॉट स्क्वायर बटे जी। बड़े आगे थोड़ी देर पहले हमने कुछ एक बात ये की थी, हमने कहा था कि एक नत तल पर अगर हम किसी वस्तु को यहां से फिसलने के लिए विराम से छोड़ दे रहे हैं, फिसलने के लिए नहीं, शुद्ध लोटनी गति के लिए जब यहां पर छोड़ दे रहे हैं तो ये आगे चलेगा भी और ये घूमेगा भी। इस पर नीचे क्या बल लगाया था बेटा? mg sin थीटा। और हमने क्या परिणाम निकाला था कि इस कारण इस नत तल पर ऊपर से रोल करती वस्तु पर घर्षण बल की दिशा किधर होगी? पीछे, है ना, स्थैतिक। कहा था, याद दिला देता हूं, यहां पर कि जब वो रोल करके नीचे आ रहा था तो घर्षण किधर लगा, क्यों लगा, कैसी परिस्थितियां रही, कारण एक बार जान लेते हैं कि यहां पर जब mg sin थीटा लग रहा है तो इसके पास क्या है, बल है, और बल है तो इसका वेग बढ़ेगा, बलागुण नहीं है तो वेग नहीं बढ़ेगा, और वेग बढ़ा, सॉरी, कोणीय वेग नहीं बढ़ेगा, वेग बढ़ा, कोणीय वेग नहीं बढ़ा, तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। इसलिए अगर हम शुद्ध लोटनी गति चाहते हैं तो वहां वेग भी बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। वेग बढ़ाएगा कौन और ओमेगा कौन बढ़ाएगा? ये बात हमने यहां पर की। बिल्कुल इसी परिस्थिति को हम यहां पर एक बार सीख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि चूंकि यहां पर इसको नीचे लाना है, वेग बढ़ेगा तो घर्षण का भी काम जरूरी है, वेग बढ़ा इधर, ओमेगा ऐसे होना चाहिए और ओमेगा को ऐसे होने के लिए घर्षण पीछे लगना चाहिए। अब एक सवाल यहां ये कहा जाता है कि यदि इस समान नत्तल पर इस वस्तु को ऊपर चलाकर छोड़ दिया जाता है और ऊपर चलाकर छोड़ दिया जाता है और ये शुद्ध लोटनी गति करते हुए, प्योर रोलिंग करते हुए जब ये वस्तु ऊपर जा रही होगी तो पूछा जाता है कि अब इस पर घर्षण किधर लगेगा। बोलिए, नीचे लगेगा ऊपर लगेगा? बता, ऊपर क्यों लगेगा? वी तो कम होगा, ओमेगा को भी कम करना पड़ेगा। बेटा शुद्ध लोटनी गति के लिए क्या होना चाहिए? यहां वेग किधर है? इस पर mg sin थीटा किधर है? ये mg sin थीटा वेग को क्या करेगा? शुद्ध लोटनी गति बने रहने के लिए ओमेगा को भी क्या होना चाहिए? अब ओमेगा कैसा है यहां पर? क्लॉकवाइज। ओमेगा को क्या करना है? ओमेगा कैसा है? ओमेगा को क्या करना है ताकि प्योर रोलिंग हो सके? तो बलागुण कैसा होना चाहिए? विपरीत दिशा में। ओमेगा कैसा है तो बलागुण किस दिशा में होना चाहिए? और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक्शन ऊपर, यानी कुल मिलाकर थोड़ी सी असहज बात होती है, पर हमें यह बात यहां पर समझनी पड़ेगी कि चाहे वस्तु ऊपर से फिसल कर, ऊपर से रोल करके या नीचे से रोल करके, दोनों परिस्थितियों में घर्षण की दिशा, तो आप नोट लिख लेंगे, चित्र आप बना लेंगे बाद में, पहले नोट में लिख लो, नोट करके लिख लो, नत तल पर शुद्ध लोटनी गति, नत तल पर शुद्ध लोटनी गति करती दोनों परिस्थितियों में, शुद्ध लोटनी गति करती दोनों परिस्थितियों में, अब वो दोनों परिस्थितियां क्या है आप चित्र बनाएंगे तो अपने को पता लग जाएगा, दोनों परिस्थितियों में घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा
तल के अनुदिश ऊपर की ओर होती है, तल के अनुदिश ऊपर की ओर होती है। तो आप एक काम तो ये करेंगे, एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज तीन पूरी निपटा लेंगे, ठीक है, और ईएलपी नंबर 10 मुझे एक बार दिखा दें, उसमें जो जो सवाल नहीं होंगे फिलहाल वो मैं आपको हटवा देता हूं। जो जो सवाल नहीं होंगे मैं सिर्फ वो बता रहा हूं ईएलपी नंबर 10 में। इधर ले आओ, अट्ठाईस तारीख को छठे, अनंत चतुर्दशी, हाँ बेटा। तो इसमें अपने को जो सवाल करने हैं वो सवाल हैं, क्वेश्चन 1 से 14 तक, नहीं 14 तक नहीं हो पाएंगे यार, रुको रुको रुको, एक 8वां नहीं हो पाएगा, नौवां नहीं हो पाएगा, आठवां, नौवां और 15वां, ये 3 छोड़ के ईएलपी 10 पूरी कर लेना, है ना, ठीक है भाई लोग। और अपन डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि मंडे को आप, संडे आपके पास समय रहेगा, तो ये निपटा लेना एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 और ईएलपी 15 के जो भी अपन ने सवाल देखे हैं, और इनको साथ में कर लेना क्योंकि ये फॉर्मूले ना बहुत स्मूथ, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड बातें पूछी है इसमें, तो हो भी जाएंगे तुरंत।